हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ संख्याओं पर आधारित में कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम टेबल और कुर्सी पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। उसका टाइप फर्स्ट देखेंगे, जो टेबल कुर्सी पे जो दो तीन टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उसमें हम टाइप फर्स्ट देखेंगे। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं टेबल और कुर्सी के। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन दिया है कि दो कुर्सी और तीन टेबल की कीमत 400 रुपए है, जबकि तीन कुर्सी और दो टेबल की कीमत 350 रुपए है, तो एक टेबल की कीमत क्या होगी। हमारे लिए एक टेबल की कीमत निकाल ली है। हमें पहले क्वेश्चन के लिए समझना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे ही हम करते जाएंगे और आसानी से ही हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दो कुर्सी और तीन टेबल की कीमत 400 रुपये। हम एक समीकरण बनाएंगे। तो देखिए हमें दिया है कि दो कुर्सी, कुर्सी मतलब चेयर, इसको हम सी लिख लेते हैं चेयर कुर्सी के लिए, और तीन टेबल मतलब टेबल हो गया है, तीन टेबल, और इनकी कीमत 400 है, मतलब ये दोनों की कीमत 400 रुपये है। आप समझ गए होंगे, दोनों का सम करेंगे, दो कुर्सी और तीन टेबल कीमत 400 रुपये है। अब एक और दूसरा समीकरण बनेगा हमारा, तीन कुर्सी और दो टेबल की कीमत 350 रुपये। हम उसी के नीचे लिख लेंगे, तीन चेयर या तीन कुर्सी और दो टेबल और इनकी कीमत है 350 रुपये, और एक टेबल की कीमत निकालना है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे लिए दो समीकरण मिल गए हैं, एक ये पहला और ये दूसरा। आपको याद होगा आपने पहले मैथ्स में विलोपन विधि से हम इन समीकरणों को हल करते थे, तो विलोपन विधि से करेंगे हम इन समीकरणों को हल। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अब हमें इन दोनों समीकरणों को मिला के टेबल की कीमत निकाल ली है। तो आप देख रहे हैं टेबल की कीमत निकाल ली है, और इस समीकरण में कुर्सी भी है, तो हम इन कुर्सी के लिए हमें हटाना पड़ेगा, तब टेबल बचेगा, तो टेबल से हम उसकी कीमत निकालेंगे। तो देखिए इस समीकरण में क्या रहेगा, कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ तीन टेबल हैं या दो टेबल हैं, यहाँ एक टेबल मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुर्सी भी है। तो इन कुर्सी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों के लिए एक जैसा बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ दो कुर्सी हैं तो यहाँ भी दो कुर्सी बनानी पड़ेगी, या तो फिर हम यहाँ पे दो कुर्सी बना लें या तीन बना लें, लेकिन यहाँ दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो हम दोनों को एक जैसा कैसे बनाएंगे, कि हम पहले समीकरण में यदि तीन से गुणा कर दें पूरे समीकरण में, और दूसरे समीकरण में हम दो से गुणा कर दें, तो यहाँ पे छः छः कुर्सियाँ हो जाएंगी, और वो आसानी से घटा दी जाए तो कट जाएंगी। तो देखिए कैसे हम इसका तीन का गुणा दो कुर्सी में करेंगे तो क्या होगा, तीन दूनी छः, तीन तिरका हो गया नौ, और चार तिरी हुआ बारह। इसके बाद हम दो का गुणा तीन में करें, छः कुर्सी प्लस चार और पैंतीस दूनी सत्तर, सात सौ। अब देखिए अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, ये लेकिन अभी जुड़ जाएंगे तो हम यहाँ पूरे नीचे के समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे तो प्लस और माइनस की छः छः कुर्सियाँ एक कट जाएंगी। अब यहाँ प्लस माइनस होगा तो यहाँ कितना बचेगा, नौ टेबल में से अगर चार टेबल चली जाएंगी यहाँ पाँच टेबल बचेंगी बराबर, और बारह में से 1200 में से 700 जाएंगे तो 500 बचेंगे। तो हमें यहाँ मिल गया, देखिए पांच टेबल बराबर मिल गए 500, तो एक टेबल बराबर मिलेगा हमें, कट जाएगा 100, मतलब एक टेबल की कीमत 100 रुपये है, और यही हमारा आंसर है। कितना आसान था, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, समझते हैं उसको।
दो कुर्सी और तीन टेबल की कीमत 350 रुपये है, जबकि चार कुर्सी और पांच टेबल की कीमत 600 रुपये है, तो टेबल की कीमत क्या होगी? हमसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि कुर्सी की निकालिए या टेबल की कीमत निकालिए। तो आपको इसी समीकरण बना के विलोपन विधि से करना है। तो यहाँ जमा लेते हैं कैसे, दो कुर्सी प्लस तीन टेबल बराबर 350 रुपये है। अगला देखिए यहाँ, चार कुर्सी पांच टेबल बराबर 600 रुपये है। अब हमारे यहाँ निकालना है टेबल की कीमत। यहाँ देखिए टेबल निकालना है, यहाँ देखिए कुर्सियों को हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा तभी कटेगा, और यहाँ पे तभी हमारी टेबल निकलेगी। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे चार कुर्सी हैं, यहाँ दो कुर्सी हैं, तो दो कुर्सी को हम चार कुर्सी कैसे बना सकते हैं? यदि हम इस वाली समीकरण में, ये पहला समीकरण दूसरा, अगर पहले समीकरण में अगर हम दो से गुणा कर दें तो ये चार कुर्सियां हो जाएंगी, तो ये आराम से कट जाएंगी। तो दो से गुणा करें, चार कुर्सी फिर तीन दूनी हुआ 6 टेबल, और 35 दूनी 70, 700 हो गया। ये ज्यों का त्यों रहेगा, चार कुर्सी प्लस पांच टेबल बराबर 600। हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व देखिए, प्लस के हैं, हम माइनस से यहाँ नीचे से गुणा कर देंगे, तो ये माइनस प्लस की चार कुर्सियां कट गई, यहाँ माइनस होगी, 6 टेबल में से 5 टेबल गई तो 1 टेबल बची, और 700 में से 600 गए तो 100 बचे। तो ये हमारी निकल आई एक टेबल की कीमत 100 रुपये, और यही हमारा आंसर है। तो देखा दोस्तों, एक कितना आसान है, यदि हमसे पूछा जाए टेबल और कुर्सी कीमत दी है और उसमें टेबल या कुर्सी की हमें अगर कीमत किसी एक की निकालनी, तो हम इस विलोपन विधि समीकरण बना के ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। यहाँ टेबल की निकाली, इसी तरह हम कुर्सी की निकालेंगे जब, तो यहाँ टेबल को काटने के लिए, हटाने के लिए हम टेबलों की संख्या को बराबर करेंगे और प्लस माइनस ऐसे गुणा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों टेबल कुर्सी के पहले टाइप में बस इतना ही। आप बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे तो इसको लाइक करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में इसका टाइप 2 शेयर करूंगा। थैंक यू।